तो भाई लोग, जॉस्टिक से रिलेटेड बहुत से बंदों को प्रॉब्लम होता है और इसी का मैं सोल्यूशन लेके आ जाया हूँ। क्योंकि देखो, मैक्सिमम जो नए बंदे होते हैं ना, उनका जॉस्टिक स्टक होना और ऑटोमेटिक स्प्रिंट होना, ये प्रॉब्लम होता रहता है। कुछ पुराने बंदे होते हैं ना, उनको भी फेस करना पड़ता है अगर वो कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तो जो इसका पॉसिबल रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे वो कस्टमाइज बटन में आपको तीन तरह के लोडआउट देखने के लिए मिलते हैं। मैक्सिमम बंदे फर्स्ट वाले पे खेलते हैं और बहुत से बंदे थर्ड वाले लेआउट में खेलना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट वाले पे आप ध्यान देना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो कलर आपको दिखाई दे रहा है, एक ब्लू और एक व्हाइट। ठीक है, ब्लू कलर में आपका जो मूव का ऑप्शन है वो दिख जाएगा और व्हाइट कलर में आपका एम का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थर्ड वाले लेआउट में देखोगे ना, यहाँ पे बस एक ही कलर है और इसमें आपका जॉयस्टिक है यानी कि मूव करने का ऑप्शन है और दूसरा एम है। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो दो कलर दिया गया है ना, वो आपके स्क्रीन को डिवाइड करता है बीच से। जो ब्लू कलर वाला एरिया है ना, वो आपका मूव करने के लिए यानी कि जॉयस्टिक के लिए है, और जो व्हाइट वाला एरिया है ना, वो आपका हो गया एम के लिए। ठीक है, जबकि थर्ड लेआउट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, थर्ड लेआउट में अगर आप जॉयस्टिक के ऊपर आप थंब को रखते हो ना, तभी आपका जो कैरेक्टर है वो मूव करेगा, और जो एम है आपका ना, वो स्क्रीन पे आप कहीं भी टच करोगे ना, आपका जो पूरा एम है वो मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट लेआउट में सेट किया है, तो जैसे मैं यहाँ पे जॉयस्टिक के बगल में टच करूँगा ना, तो देखना मेरा जॉयस्टिक यहाँ पे काम करेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे मैं बगल में पूरा फिंगर को स्लाइड कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन लॉक हो जा रहा है, और जिगल कर रहा हूँ तो हो रहा है, मैं जॉयस्टिक के ऊपर टच भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में टच कर रहा हूँ, और जैसे मैं राइट में टच करूंगा ना, तो मेरा एम पूरा मूव करेगा। देख सकते हो यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में मैं कहीं भी टच करूंगा तो मेरा जॉयस्टिक काम करने लग जाएगा, अगर मैं ऊपर स्लाइड करूंगा तो मेरा स्प्रिंट लॉक हो जाएगा। तो बहुत से बंदों से क्या होता है ना, जो बंदे नए होते हैं या इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो क्या होता होगा, वो बगल में कहीं भी टच करते होंगे ना, तो उनका स्प्रिंट लॉक हो जाता होगा। अगर उनका स्प्रिंट काफ़ी क्लोज होगा जॉयस्टिक से, तो हल्का सा फिंगर बगल में स्लाइड करने से भी वो आपका कैरेक्टर भागने लगता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेआउट में खेलने की वजह से ही जो आपका स्प्रिंट है ना, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता होगा। आप बगल में टच करते होगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो मूव करने लगता होगा, और आपका स्प्रिंट अगर काफ़ी क्लोज है ना जॉयस्टिक के, तो हल्का सा टच करने पे वो लॉक हो जाता होगा। तो यहीं से आपका वो प्रॉब्लम होता है, और जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम भी यहीं से आपको फेस करना पड़ता है। तो अगर आप फर्स्ट लेआउट में खेलते हो ना, तो यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी कम होता है, तो इसी वजह से मैं थर्ड वाले लेआउट में खेलता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड वाला लेआउट कैसे काम करता है, यहाँ पे जॉयस्टिक और आपका एम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जो पूरा डिस्प्ले होता है फोन का ना, वो आपका पूरा एम का होता है। कहीं भी टच करोगे ना, आपका जो एम है वो मूव करेगा। अगर आपको कैरेक्टर को मूव कराना है, जिगल करना है, या आपको दौड़ना है ना, तो आपको परफेक्ट आपको जॉयस्टिक के ऊपर थंब को रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका कैरेक्टर मूव करेगा, नहीं तो अगर बगल में कहीं टच करोगे ना, तो आपका एम मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ पे यार एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आपको थर्ड लेआउट में खेलना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दो तीन दिन का टाइम लग सकता है यहाँ पे आपको हाथ बैठाने में। बाद में आप काफ़ी अच्छा करने लगोगे फर्स्ट वाले लेआउट से। ठीक है, तो अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको, तो थर्ड वाला लेआउट के लिए अच्छा रहेगा अगर आप काफ़ी दिनों से खेलते हो। तो अगर आप नए प्लेयर हो तो आप फर्स्ट वाले पे ही खेलो, बाद में आप शिफ्ट होना थर्ड वाले पे। तो यहाँ से आप मेरा कंट्रोल कोड कॉपी कर सकते हो। बहुत से बंदे कमेंट करते हैं कि भाई कंट्रोल कोड दे दो, तो भाई यहाँ से वीडियो को पॉज करके ले लो, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेक कर लेना वहाँ से। और यहाँ से आप मेरा स्प्रिंट सेंसिटिविटी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी 75 पे है। ठीक है, मैक्सिमम मैं 85 तक ही करता हूँ, और मिनिमम मैं 75 पे रख के खेलता हूँ। तो इसके बीच में आप कहीं भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।